जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं। योगी जी आगे अभी 20 साल आगे 20 साल 20 साल योगी जी 20 साल। ओबीसी तो भड़काने का काम, ओबीसी भड़का रहे भड़कान, तो जो लोग भड़काने वाले होते हैं गंदे होते वो ऐसा ही करते हैं। भारत का मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलेगा, गलत कह रहा, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। मोदी जी की जय जयकार, मोदी जी की जय जयकार, वक्त के बादशाह की जय जयकार रहेगी। जेवर इस उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनेगा और इस देश के विकास का पहिया जेवर से होकर जाएगा। तो क्या लग रहा है योगी जी का जैसे बुलडोजर दिखाई दे रहा है चलते हुए, क्या योगी जी के बुलडोजर सरकार दोबारा से आ रही है? ये बुलडोजर नहीं है जी आपकी बार, ये आपका राफेल है जो फ्रांस लाया गया है। के अंदर का जोश है वो देखने को मिल रहा है ढोल लगाड़ों के साथ, और मोदी जी और योगी जी के स्वागत के लिए लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सभी के अंदर एक हर्ष का माहौल है। और जो कह सकते हैं कि आज जो 20 साल से बड़ी मांग थी उस मांग को माना गया है, और 20 साल की जो एक बड़ी मांग थी उस जेवर को आज यहाँ पर देने के लिए मोदी जी और योगी जी आज आ रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ का जनसैलाब एक माहौल ये बता रहा है कि कितनी खुशी है यहाँ के लोगों में। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम सुशील शर्मा है। सुशील जी कैसा माहौल है आपकी बार जेवर का? जेवर का माहौल बिल्कुल एक तरफा है, आज हम लोग जेवर उत्सव मना रहे हैं। आज इस क्षेत्र की जनता इतना उल्लास है कि जिस प्रकार से अयोध्या में दीपोत्सव मनाया गया था, आज ये सब जेवर की जनता है और हम जेवर उत्सव मना रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि इसको किसान बेल्ट माना जाता है, और एक तरफ मोदी जी ने माफी मांगते हुए किसान बिल रद्द कर दिया और एक तरफ किसान अभी भी डटे हुए हैं। वो किसान नहीं है, वो किसान के रूप में मैं शब्द उनके लिए नहीं कह सकता, वो किसान नहीं है, ये किसान है। हम लोगों ने अपनी जमीन अपनी स्वेच्छा से एयरपोर्ट के लिए दे दी, किसान को फुर्सत ही नहीं है, किसान तो अपने खेतों में काम कर रहा है, वो किसान नहीं है जो वहाँ बैठे हैं। सबसे बड़ी बात है राकेश टिकैत कह रहे हैं आप संसद में ग्राफ करेंगे, ट्रैक्टर लेकर के 1000 किसान पहुंचेगा। वो बिल्कुल जनता ने उनका नकार दिया, उनके साथ कोई है ही नहीं, किसान है, किसान तो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी ने किसानों के लिए जो किया आज तक किसी भी सरकार ने नहीं किया। अच्छा, सबसे पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि ऐसी कोई रैली जहां पीएम और सीएम आ रहे हो वहां पर डांस करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। हुरेखा नाम है भाई साहब, क्या लग रहा है माहौल आपकी बार? बहुत बढ़िया माहौल लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, ठाकुर धीरेन्द्र जिंदाबाद जिंदाबाद, योगी आदित्य जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जी ने कृषि कानून वापस जैसे ही लिए और उसके बाद आप ओबीसी कह रहे हैं कि सीए भी वापस करना पड़ेगा? कुछ नहीं, कुछ नहीं वापस हो रहा, सब सही हो रहा है, जो हो रहा है जो हो रहा है, योगी जी ले रहे हैं निर्णय, मोदी जी ले रहे हैं, सब अच्छा निर्णय ले रहे हैं, पब्लिक का हित में ले रहे हैं, पब्लिक का हित में। योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी अच्छा काम कर रहे हैं, योगी जी आगे अभी 20 साल आगे 20 साल 20 साल योगी जी 20 साल, ठाकुर धीरेन्द्र 25 साल। क्या लग रहा है प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं? प्रधानमंत्री बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई भी नेता नहीं है प्रधानमंत्री जैसा, एक भी नेता नहीं है प्रधानमंत्री जैसा। ओबीसी तो भड़काने का काम, ओबीसी भड़का रहे भड़कान, तो जो लोग भड़काने वाले होते हैं गंदे होते वो ऐसे ही करते हैं। मुबीन अली, कैसा माहौल है आपकी बार? बहुत बढ़िया आपके, वो ज्यादा है पहले से भी ज्यादा है, बहुत ही अच्छा चल रहा है, विधायक जी बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग आरोप लगाते हैं जब से भाजपा आती है हिंदू मुस्लिम झगड़े कराती है, कुछ दिखाई दे? हमारे क्षेत्र कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ कहीं भी। अटल बिहारी जी के बाद, अटल बिहारी जी के बाद ठाकुर धीरेन्द्र का दूसरा वजह है कि जब मुस्लिम जुड़े हुए हैं, 25,000 पहले उसमें दिए थे और अब 45,000 से जित विजयी करेंगे। कह रहे हैं कि ओबीसी तो कहते हैं कि भारत का कोई मतलब नहीं, भारत का मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलेगा, गलत कह रहा, वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम। ओबीसी जी कहते हैं भारत माता की जय, जो बोलते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय, क्या जेवर की? भारत के नागरिक हैं तो सब चीज बोलना यहाँ जायज है बिल्कुल। तो क्या लग रहा है जेवर की जनता आपकी बार ऐसे लोगों को करारा जवाब दे रही है? और ज्यादा ज्यादा उससे भी बढ़िया दे रही है, पहले से बढ़िया दे रही है। पहले से आदम कह रहे हैं बाबा जी तो साफ हो जाएंगे। मुस्लिमों को वक्त के बादशाह की तालीम करनी पड़ती है, और हमारे हदीस में लिखा हुआ कि जो वक्त में बादशाह होता है उसकी हम जो जय जयकार करेंगे। मोदी जी की जय जयकार, मोदी जी की जय जयकार, वक्त के बादशाह की जय जयकार रहेगी।
ठाकुर धीरेंद्र सिंह, ठाकुर धीरेंद्र सिंह, ठाकुर धीरेंद्र सिंह। विधायक जी आ गए, विधायक जी से भी जुड़ने की कोशिश। बहुत अरसे से ये जो मांग थी जेवर एयरपोर्ट की, आज वो कहीं ना कहीं साकार होती हुई दिखाई दे रही है। आपका बहुत बड़ा योगदान बताया जा रहा है। देखिए, ये योगदान इस क्षेत्र के किसानों का है और प्रदेश के मुख्यमंत्री का है। मैं तो एक माध्यम बना इस क्षेत्र के विकास का और उन किसानों का जिन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए अपनी जमीनों को दिया। एक तरफ किसान है वो आंदोलन कर रहा है और एक तरफ यहाँ पर किसानों का जनसैलाब दिखाई दे रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? वो चंद किसान है, यहाँ कोई आंदोलनरत नहीं है। सारा किसान जेवर क्षेत्र का अपने देश के महान नेताओं की अगवानी के लिए सड़कों पर उमड़ रहा है। आज कहीं ना कहीं पीएम जी ने जो तीन कानून रद्द करने की जो बात थी वो रद्द कर दिए, उसके बाद भी किसान डटे हुए हैं और यहाँ का किसान इतना लालायित है पीएम जी के दर्शन करने के लिए। वो चंद किसान है, अगर प्रधानमंत्री कानून वापस नहीं भी लेते तो भी देश का किसान मोदी के साथ खड़ा हुआ है। क्या लग रहा है जेवर की कैसे काया पलट होगी एयरपोर्ट बनने के बाद? यहाँ पर जेवर इस उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी बनेगा और इस देश के विकास का पहिया जेवर से होकर जाएगा। धन्यवाद। तो ये आपने देखा, यहाँ के जो विधायक जी हैं उन्होंने कहा है कि जो विकास का पहिया है वो जेवर होकर के जाएगा और ये आर्थिक राजधानी जेवर बनेगा। तो ऐसे ही यहाँ के लोगों से बात करने की और कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है माहौल अब की बार यहाँ का? माहौल तो भाजपा का है, पिछली बार भाजपा का था, अगली बार अब भी भाजपा का है और भाजपा जीतेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 350 सीट हम लेके आ रहे हैं, योगी जी का पत्ता साफ है। अखिलेश यादव की सरकार तो उस दिन बिगड़ा गरक हो गया जिस दिन उनके परिवार में पैसे के लेन देन बंटवारा हुआ और जिस दिन उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर कांवर यात्रा पर रोक लगाई। जब से बिगड़ा गरक है, समाजवादी तो खत्म की तरफ है। अब कहीं ना कहीं RLD है जो अपनी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना बहुमत हासिल करने के लिए पूरा दमखम लगा रही है और वो सपा से गठबंधन कर लिया है, तो क्या यूपी के दो लड़के कुछ कर पाएंगे, योगी जी को टक्कर दे पाएंगे? पिछली बार भी आपने देखा था गठबंधन हुआ था, उसका नाम था महागठबंधन। क्या हुआ? धराशायी हो गए। ये फिर दोबारा गठबंधन करें, ये फिर दोबारा धराशायी हो जाएंगे। छोटे छोटे सारे गुट हैं वो गठबंधन करके कह रहे हैं योगी जी को अब की बार यूपी से भगा देंगे। जब एक परिवार का मुखिया या देश का मुखिया ईमानदार होता है तो वहाँ के जो चोर होते हैं ना वो सब एक हो जाते हैं। अब इन्हें अपना दिख रहा है कि इनका अस्तित्व खत्म हो रहा है और इनकी रोटियां सिकनी बंद हो गई हैं। माननीय मोदी जी ने जो कृषि बल वापसी लिया है उसकी यही वजह है कि जो विपक्ष जो गलत गतिविधियां कर रहे थे देश के अंदर, गलत लोग, वो वहाँ रोटी सेक रहे थे। 11 महीने से किसान नहीं बैठे थे, किसान के रूप में बहरूपी बैठे थे जो देश के गद्दार हैं। उन्होंने कृषि बल वापसी लेकर दिखा दिया है कि अब कुछ नहीं होगा, अपने घर जाइए, उनकी रोटी सिकना बंद हो गया। और मेरे ख्याल से राकेश टकेश जी को तो कोई नई फिल्म देखनी पड़ेगी। अब वो तो अभी भी डटे हुए, वो तो आंदोलन के लिए तो अभी भी डटे हुए हैं। वो अब जनता जानती है कि ये जनता का बेवकूफ बना रहे हैं, जनता सब जानती है, जनता सब जानती है कि ये बेवकूफ बना रहे हैं। कृषि बिल वापसी होने के बाद में वापसी ना होना इनके मन में कहीं ना कहीं बुरापन है, ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं। तो क्या लग रहा है योगी जी का जैसे बुलडोजर दिखाई दे रहा है चलते हुए, क्या योगी जी के बुलडोजर सरकार दोबारा से आ रही है? ये बुलडोजर नहीं है जी, अब की बार ये आपका राफेल है जो फ्रांस लाया गया है। ये बुलडोजर नहीं है जी, ये राफेल है जो फ्रांस से मंगाया हमने। आपका वो चलेगा 350 पार, 350 पार राफेल उतरेंगे, यहाँ पर राफेल उतरेंगे। तो क्या लग रहा है कि यहाँ पर जो जेवर में एक एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना हो रही है उससे लेकर के क्या जेवर की काया पलट हो जाएगी, तस्वीर चेंज दिखाई दे रही है? जेवर नहीं जी, आसपास के 10 जिलों का विकास होगा, बड़ी स्पीड से विकास होगा और आप देखना आने वाले 2-4-5 सालों के अंदर इतना डेवलपमेंट हो जाएगा कि लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। एक सवाल है, जैसे कृषि कानून वापस हुए उसके बाद ओबीसी है, CA कानून लागू जो लागू है उसको भी वापस कराने की मांग करने लगे। ये सब देश विरोधी हैं,
ये जितने भी देश के लिए अच्छे कानून जो पास करे हैं भाजपा सरकार ने, ये सबका विरोध करेंगे। ये तो चाहते हैं कि ये देश बर्बाद हो जाए और उसका बेड़ा गर्क हो जाए। जिस तरह बांग्लादेश अलग हुआ, जिस तरह पाकिस्तान अलग हुआ, जिस तरह और देश अलग हुए, ये तो छोटे छोटे टुकड़े करना चाहते हैं इस देश के। लेकिन जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, इस देश का एक इंच भी जगह नहीं देंगे। देश तो टुकड़े होने से बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल है कि अब ओबीसी वो कह रहे हैं कि यूपी को हम शाहीन बाग बना देंगे। यूपी को शाहीन बाग, योगी जी ने कराता था मोस्ट वेलकम, आओ तो सही, एक बार आओ तो सही, करा तो है। देखो आप पैर रख के तो देखो, ये अफगानिस्तान नहीं है, तालिबान ने कब्जा कर लिया, ये भारत देश है, भारत के सारे नरेंद्र मोदी। क्या 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 योगी जी के हंटर दिखाई दे रहा है? पूरा रहेगा सर, हंटर चढ़ा हुआ चलता रहेगा। हंटर की बात मैं बताऊं, अभी पाकिस्तान से भारत के खिलाड़ियों की हार हो गई थी क्रिकेट है, और जितने भी लोगों ने यहाँ पर पटाखे फोड़े थे पाकिस्तान के समर्थन में, सबको सेटिंग कर दिया जी, सबका कर दिया कल्याण, सबको कर पहुंचे। संदीप सैनी, क्या लग रहा है जिस तरीके से अब जो यूपी के अंदर दिखाई दे रहा है, तो क्या जलवा दिखाई दे रहा है आपको? ना दिखाई दे रहा है जलवा, सारे हिंदुस्तान में अखिलेश यादव है, अखिलेश यादव है कह रहे 350 हम लेके आ रहे हैं योगी जी साफ, वो तो बहुत बड़ा महाचोर है। हम तो जी 100 में 100 लेके आएंगे जी, तीन भी नाम है, 350 तो बहुत।